लास्ट है स्टेप 5, ध्यान से देखेंगे, लास्ट है स्टेप 5। कैश फ्लो, रॉन्ग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप कहाँ तक पहुँच चुके थे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब क्या कर देंगे? अब ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? वो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स विच लीड टू इनफ्लो, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब जो ये स्टेप 4 और स्टेप 5 है ना, ये फ्लोज के मूवमेंट, 3 भी इनफैक्ट, इनफ्लो हो रहा है तो ऐड करो, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करो। तो ऐड इनफ्लो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में, एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम। तो ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, तो हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? इनफ्लोज, एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेम अमाउंट The same amount that was deducted, in the step one of CFOA as extraordinary items credited to the statement of PNL will be added here. तो सेम जो ऊपर आपने माइनस करा था, माइनस करते हैं ना एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स, माइनस करते हैं, वो यहीं पे एग्जैक्टली सेम चीज एड बैक हो रही है। सर हमने माइनस करा और हमें खुद ही एड बैक कर रहे हैं, सेम रीजन। क्यों माइनस किया था? क्योंकि पहले हमें चाहिए था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से पहले मेरा कितना प्रॉफिट आया वो चाहिए, निकल गया प्रॉफिट। अब कैश तो आया ही है एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से भी, तो ऑपरेशन से कितना आया वो भी पता चल गया। अब जो इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, वो रेजिडुअल ट्रांजेक्शन आएंगी तो ऑपरेटिंग में ही, तो इसीलिए लास्ट में वो लास्ट में ऑपरेटिंग के एड हो रहा है, ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। तो पहले आपकी वो इनकम भी आ गई कि बिजनेस से कितना जनरेट करा, ओवरऑल भी आ गई। सेम चीज जो ऊपर माइनस हुई थी वहां ऐड हो रही है। ऐसे ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस, क्या करेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस का? माइनस करेंगे। अब मुझे कहानी लिखने की जरूरत तो नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस दे टेक्निकली लीड टू आउटफ्लो बट नॉट नेसेसरी आउटफ्लो, आप रिवर्सल कर रहे हैं। एग्जाम्पल लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। तो ये सेम मतलब यहाँ पे आ जाएगी कहानी, जो आपने अब आपने ऊपर एड बैक किए थे एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉसेस, एड बैक किए थे, वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे माइनस हो रही है। सर क्यों? आपने वहां पे एड बैक किए थे। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरा नेट प्रॉफिट था 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था ड्यू टू अर्थक्वेक, तो आपने एड बैक कर दिया। क्यों एड बैक कर दिया? कह रहे क्योंकि मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। अब आपने एड बैक कर दिया तो आपने तो अपना कैश फ्लो बढ़ा दिया, जैसे ही आपने कोई चीज ऐड करी तो उससे आपका कैश फ्लो का रिजल्ट बढ़ रहा है। कोई पैसे आए हैं क्या? ऐसे तो कोई पैसे आए ही नहीं, तो रिवर्स करेंगे उसको एंड में, रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो जो रेजिडुअल आपने ऊपर ऐड की थी वो यहाँ नीचे माइनस हो रही है,
और जो ऊपर माइनस करी थी वो नीचे ऐड होनी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नलिफाई करना है, क्योंकि पहले हमें चाहिए था विदाउट टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, और लास्ट में चाहिए था ओवरऑल। तो जब विदाउट टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम चाहिए था तो हमने वो रिवर्स कर दिए थे, रिफंड ऑफ टैक्स रिवर्स कर दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स रिवर्स कर दिया था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस एंड गेन्स रिवर्स कर दिए थे, क्योंकि हमें चाहिए थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। अब हमें कैश फ्लो चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो। तो अब कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि भाई अगर कोई पैसे आए हैं ना इनफ्लोज तो उनको ऐड बैक कर लो, जो अगर नहीं दिखा रखे अभी तक, और कोई आपने लॉसेस कर रखे हैं रिवर्स तो उनको भी एडजस्ट कर लो अगर वो कैश से रिलेटेड है। तो ये सारी कहानियां करने के बाद, ये सारी कहानियां करने के बाद जो नेट रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी के साथ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट फॉर्मेट खत्म हुआ।